हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय किचन। और आज मैं आपको एकदम ठेले वाली कुल्फ़ी, जो आइसक्रीम मिलती है ना, बस उसी की रेसिपी शेयर की है। और इसे बिल्कुल हम अपने घर के ही सामान से बनाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एकदम। आप देखेंगे 10 रुपये में ही हमारी ना मार्केट वाली 200 वाली जो आइसक्रीम मिलती है अमूल वाली, बिल्कुल वैसी ही तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने 1 किलो दूध ले रखा था, उसे मैं अच्छे से गर्म करके अपने दूध को एकदम आधा किलो के करीब कर दी हूँ। और ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, आधा किलो के करीब हो गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे आधी कटोरी चीनी। मीठा आप अपने पसंद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो मैंने इसमें आधी कटोरी आधे लीटर दूध के लिए इस्तेमाल किया है। चीनी डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि चीनी हमारा जो है सारा अच्छे से इस दूध में मिल जाए। इधर मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो ये मैंने जो 10 रुपये वाला ओरियो होता है ना, बस उसे ही लिया है। उसे मैं अलग अलग करके रख ली हूँ, और साथ में मैंने नारियल का बुरादा लिया है। तो बस इस खौलते दूध में, मलाई वाले दूध में, हम अपने ओरियो बिस्किट को और नारियल के पाउडर को डाल देंगे दूध में कि ताकि अच्छे से घुल जाए। बिस्किट का कोई भी पाउडर या चूरा नहीं बनाना, ऐसे ही खड़े ही डाल देना है। बस जब तक उधर बिस्किट गल रहा है, तब तक मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर में पानी मिला ले रही हूँ। अच्छे से इसे घोल लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी आइसक्रीम थिक और मोटी जमती है, और खाने में बहुत ही अच्छी क्रीमी लगती है। तो इसे मैंने अच्छे से घोल लिया है ताकि एक भी लम्स ना रहे। ये देखिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक भी लम्स नहीं है। तो बस इसे हम अपने खौलते दूध में डाल देंगे। इधर ये देखिए, बिस्किट हमारा सारा डिजॉल्व हो गया दूध में, हमें कोई पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और थोड़े थोड़े टुकड़े में है तो वो हमें आइसक्रीम में खाने में अच्छा लगेगा। इसमें मैंने डाल दिया अपना कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे हमें 10 मिनट और पकाना है ताकि हमारा दूध एकदम गाढ़ा हो जाए और एकदम क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। ये देखिए 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं ना, दूध में अपने आप बबल्स निकल रहे हैं, यानी हमारा दूध एकदम परफेक्ट है आइसक्रीम जमाने के लिए। ये बिल्कुल आप पास से देखिए कितना सुंदर एकदम गाढ़ा हमारा दूध तैयार हो गया 10 मिनट में एकदम आइसक्रीम जमाने के लिए। तो इसे चलाएँगे, और इसे अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये अब परफेक्ट हो चुका है आइसक्रीम जमाने के लिए। इसे लगातार चलाने रहना है ताकि एक भी लम्स ना पड़े और जो आइसक्रीम है हमारी एकदम क्रीमी जमे। तो बस इस स्टेज पे मैं अपना गैस बंद कर दूंगी, और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें बाहर ही रख देना है ताकि जो हमारा दूध है पूरी तरह से ठंडा हो जाए और पूरी तरह से क्रीमी हो जाए। बीच बीच में हमें ऐसे चलाते भी रहना है ताकि जो दूध हमारा है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये देखिए हमारा दूध 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा ठंडा हो गया है और पूरा गाढ़ा भी हो गया। इसमें बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो बस इसे मैंने ओवरनाइट पूरी रात के लिए मैं इसे फ्रिज में ढक के फ्रिज में रख देना है, और फिर मैं आपको सुबह दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है, सिर्फ 10 रुपये के ओरियो बिस्किट से। ये देखिए चाकू में डाल रही हूँ, कितना ईजिली इसमें चला जा रहा है, यानी हमारी जो आइसक्रीम है एकदम सुपर टेस्टी और एकदम क्रीमी जमी है। देख रहे हैं, चाकू मैंने डाला, एकदम तुरंत अंदर चली गई। तो बस जब भी आपका आइसक्रीम बनाने का मन करे तो आप झटपट इस तरीके से बनाएं। और ये देखिए मैं चम्मच से आपको काट के दिखा रही हूँ, ऊपर से ये देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम जमी है, और ये खाने में सुपर टेस्टी है। एक बार आप बना लें तो ये 3 से 4 दिन तक बच्चे से आराम से खाते हैं, और जब भी आपको हेल्दी खाने का मन करे तो ये आइसक्रीम ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।